हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं अभी बैठी थी रूम में, थोड़ा सा आज सिर मेरा माथा मतलब धुलाई किया था, तो वही बाल आज गीला था, तो इसीलिए आज गीला है। और अभी थोड़ा हल्का हल्का ठंड भी हो गया था, जल्दी से सूखता भी नहीं है। और धूप में भी लेके बैठी और अभी आई थी रूम में थोड़ा देर, तो सोचे अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं यहीं पे। और देखिए इधर कुछ अच्छा भी नहीं आ रहा है रूम में, इतना लाइट भी नहीं जला हुआ है और इधर पर्दा उर्दा सब लगा हुआ है, इसीलिए बाहर इस बालकोनी में तो धूप आता है इतना अच्छा से दिन भर, लेकिन यहीं बैठेंगे अपना। और तो मैंने इधर भी समाजी कर रहे हैं बात, अभी क्या करें, अभी बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, इनका तो पढ़ने का ही टाइम चलते ही रहता है, थोड़ा देर करेंगे रेस्ट और उसके बाद फिर नहीं ऐसे तो हाँ ऐसे तो सब काम हो गया है। थोड़ा तो रेस्ट करने के बाद देखती हूँ क्या करूँगी, कपड़ा पड़ा हुआ है ऐसे तो फोल्ड करने, काम तो ऐसे तो दिन भर चलते ही रहता है, दिन भर काम चलते रहता है कि कुछ कुछ करते रहो, लेकिन फिलहाल तो वो ये कपड़ा फोल्ड करना है। तो इधर मैं आके थोड़ी सी लेट गई थी, अभी लेटी हूँ इधर में आके, अभी अभी जा रही हूँ बच्चों के पास, उनसे पूछती हूँ क्या कर रहे हैं। हे गाइस, ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी इतना ठंडा लग रहा है मेरा बेटा को। चेप दिखे तो अंशु अभी चाय चेप चुका है, अभी मच्छर आ रहा है, खिड़की बंद कर, खिड़की बंद कर, हल्की सी थोड़ी खुली, इसमें इसी में मच्छर आ रहा है, और ये ऊपर से मच्छर आ रहा है, ऐसे ऊपर से देख बेटा, ये देख देख बाहर से घूम रहा है, ये इधर में मच्छर आ रहा है, शाम होते ही ऐसे से शाम हुआ नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बहुत मच्छर हो जाता है बाप रे, रात में वो मच्छर वाला लगा देते हैं, फिर भी है ना, ये देखिए मच्छरों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मच्छर आ ही जाता है, जब सोते हैं तब एक बार होता है, उसके बाद फिर आ जाता है, शाम हुआ ना ये लगा दे, एक तो पर्दा लगा दो भाई, पर्दा से फिर भी उसको दिखेगा नहीं, पर्दा है भाई उसको हाँ उसको छुपा देते हैं ना, करो तो कर दो, वो भी लगा दो बेटा, थोड़ा खींच दो, हाँ ऐसे कर, वही लोग का इलाज हो जाएगा कि हाँ हाँ ऐसे करो। अरे कितना काम पड़ा हुआ, अभी करो ना उधर में, ये देख तो अभी रेस्ट लिया है, अभी रेस्ट ले, मच्छर देख, रेस्ट नहीं बेटा, रेस्ट नहीं, अभी पढ़ो, रेस्ट कुछ नहीं होता है। और मैं थोड़ा देर उस टाइम में उधर में ही लेट गई थी, मतलब सोई भी नहीं, ऐसी झूठी मूठी लेटी हुई थी, और फिर बोले थे पापा की चाय बना दो, फिर चाय बनाई, और अभी कपड़ा था अभी फोल्ड करना बाकी है, अभी वो करूँगी। आज क्या बनाऊँ खाना मेरे बच्चों, शाम को कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है ना, चटपटा देख तो कुछ नहीं बनेगा, तो वही रोटी बनाऊंगी, वही सब्जी तो भाई तीनों अलग अलग मेन्यू दिया है, अंशु बोलता है कि बेसन का लड्डू, और चिंटू बोलता है चिंटू बोला पकोड़ा, आलू का पकोड़ा, और यश बोला खिचड़ी, और तो भाई ठीक है, अब देखते हैं क्या बनाएंगे शाम को, है कि नहीं, लेकिन भूख लग गया ना अभी कुछ चटपट, हल्का सर्दी होने से भी शाम का टाइम ऐसे लगता है कि कुछ बना के खिला दे, कोई बना के खिला दे, मन तो है मीठे का, जैसे सही कर रहा है वही, तो मीठे का अगर बेसन लड्डू होना है, और जैसे गाजर का लोहा, गाजर पाक अपने साइड में, ज़्यादा मीठा का मन कर रहा है तो क्या करें, चीनी को फाकू मार ले, ठीक है भाई, करो तुम लोग होमवर्क करो अभी, तो गाइस मम्मी यहाँ पे लगी हुई खाना बनाने, ये काट लिया पत्ता गोभी, टेस्ट करें, ये पत्ता गोभी है, ये भगवान देखिए मेरा बेटा क्या बोलो, पता तो है अभी ऐसे खा लिया, क्या हुआ, कच्चा भी खाना चाहिए, नहीं कच्चा खा लिया, कोई ये पता नहीं कि क्या वही, तो मैं बोला पता को भी आते ही, अच्छा तो खाना चढ़ा दिया, और थोड़ा सा लेट भी हो गया, पता हाँ क्यों लेट हो गया, हमको नहीं सुना, बात कर रहे थे फोन पे, फोन पे हाँ फोन पे बात कर रहा था, छोटी आंटी है ना जो हम लोग पहले रहते थे पड़ोस में, वो आंटी का फोन आ गया, अच्छा भाभी आप आते नहीं है, बहुत दिन हो गया आप हमको भूल गए, आप क्यों नहीं आते हैं, मुझे आएंगे बताएंगे, तो मेरा भी मन कर रहा था, बोला बाबू बहुत याद करता है कि चिंटू अंशु, चिंटू अंशु अभी भी बहुत याद कर रहा है वो,
तो हम बोला कि आएंगे छोटी, नहीं यही आना है एक दिन, तो वही आएंगे। मैं भी बोली तू भी आना आगे, बोला हाँ हम आएंगे। तो कितना दूर अकेले ही आ सकते, बगल में? अरे नहीं बेटा, दूर अकेले को तो दूरी हो जाता है, बेचारी बच्चा हो जाते हैं। तो अकेला आदमी को तो दूर होता है। मैं तो फिर भी सामने कभी निकलूँ, और तेरे पापा आ गए हैं और बोलेंगे तेरा ये खाना नहीं बना है, क्योंकि मैंने पत्ता गोभी काट के रख दिया, ठीक है? और बोले हम आलू लेके आएंगे, तो आलू के साथ मिला के सब्जी लाने गए थे, तो इसीलिए नहीं पत्ता दाल को चढ़ा देती हूँ। आ गए सब्जी लेके, तो आधा खाना बन गया है। पापा भी उधर सब्जी निकालने ध्यान आप रेडी रहो, ये सब्जी ले। लाइट ऑन करो यार, अकेला कैसे लेके, चलिए ठीक इतना लेके आ गए, क्योंकि नहीं होता है भाई। चार दो किलो लिया तो दो जाता है आलू अभी ना, दो फिर तब अभी नहीं आएंगे ना, आज आदित्यवार हो गया ना, संडे आएंगे, तब तक एक दो सब्जी है भी चला गए। कभी कभी दाल चले भी बीच में मौका मिल गया, मतलब सब्जी दुनिया भर को ला के रख देते हैं, तो वो सब चीज का मौका ही नहीं मिलता है। तो जैसे ही मैंने हाथ मारा इसमें गला से डाल, मिर्ची निकल गया, तो इसको फेंक दो। सूखी कहाँ, पत्ता गोभी बना अभी मैं पत्ता गोभी काट के रख दिया, पत्ता गोभी और आलू क्या बनाना था आप बताइए। आलू मापा बोला आलू मटर सूखी सब्जी, आज तो मैं नहीं बनाने, ठीक है ना, पत्ता गोभी और दाल और चावल, ठीक है, इसको बहुत पसंद था, जब बोलो क्या बनाए पुलाव बनाओ, नमकीन चावल बनाओ, आजकल नहीं बोलता है, इसको पता ही नहीं क्या हुआ, तो वो इलाज करना पड़ेगा तेरा। मैं रोटी खा लूंगा, रोटी खा लेना, तो पापा भी रोटी खा लेंगे, चावल भी मैंने बहुत बना दिया, हो जाएगा, सुबह फ्राई कर देना। दो तीन दिन से खाया नहीं था, दही के साथ मैं चावल जितना पुलाव खिला दो खा लूंगा, अकेले आजकल अच्छा नहीं लगता। हम क्या अभी आजकल चावल कभी खाते हैं ना, हाँ ये तो एक टाइम तो है ना, सुबह रोटी हो गया नाश्ता में, दोपहर में चावल हो गया, रात में रोटी हो गया, फिर आजकल थोड़ा सा कम ही खाते हैं चावल, नहीं तो चावल के बिना होता ही नहीं, आजकल थोड़ा कम कर दिया है, बच्चे नहीं खाना चाहते हैं थोड़ा इसीलिए। तो गाइस अभी सब लोग बैठ के यहाँ पे खा रहे खाना, मम्मी और यश नीचे बैठे हुए हैं, अंशु सेठ बन के आगे बैठा था सबसे, पापा इधर, मैं इधर बैठा हूँ, मैं भी नीचे बैठता क्योंकि मेरा बहुत देर से एक ही पोजीशन में वहाँ बैठा हुआ था, आलती पालती मार के, तो अभी थोड़ा नी पेन कर रहा था इसलिए इधर बैठ गया पापा साइड में, नहीं तो मैं नीचे ही खाता हूँ। और अभी सब टीवी देखते हुए खा रहे है, दिखा रहा था उधर देख रहे, इधर दिखा रहा हूँ, अच्छा नहीं उधर दिखा रहा था, खा रहे बस भाई, खाना भी खा रहे हैं, रात हो गया लेट, खाना लेट हो गया थोड़ा सा, और आज तो अचार भी निकाल के लिया है थोड़ा सा, जलपाई वाला टेस्ट करने के लिए बस, अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, ज्यादा लगेगा ना, ग्यारह बजने वाले और अभी क्या कर रही हो मेरी अलमारी में, कपड़ा अभी फोल्ड किया, फिर सुबह सोच रही थी करने के लिए और सुबह से किया ही नहीं, तो अभी कर रही हूँ ग्यारह बजे, तो अभी काम मेरे खत्म नहीं हुआ ना, अभी टीवी देख रहे हैं वो लोग, फिर भी मैंने टीवी देखते देखते कपड़ा फोल्ड किया, सबका अपना अपना जगह पे रखना मामूली चीज थोड़ी है, वो भी है, सब ऐसे ही बहुत काम हो जाता है ना बेटा, इसीलिए तो वही बात है, तब लेट हो जाता है, इसमें कोई नहीं है, ज्यादा ही हो गया थोड़ा है,
आज तो ज्यादा ही हो गया थोड़ा। आज ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया भाई। उपाय नहीं, अभी मेरा पैर ठीक होंगी। बैठ तो ठीक ही है, थोड़ा झुकाना पड़ेगा, इसे आज शुरू में थोड़ा स्विच हो, थोड़ा सा ठीक है। लेकिन बस ये है, देखिए स्वेटर वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ठंडा नहीं है, सबसे अच्छी चीज यही है। मैंने तो अभी जैकेट पहना हुआ है, तो पहनेंगे मैं तो पहनेंगे। अभी खोलूंगा इसको, ये देखो नहीं लग रहा है। मोजा देखिए, मेरा मोजा भी खाली है, पहनिए बढ़िया। तो इतना नहीं लग रहा है मुझे तो। और तू अभी क्या करेगा? मैं भी थोड़ा अपना काम करूंगा फिर सोऊंगा। हाँ तो बिछा ही देती हूँ इसको, बिछा लो। इसी में ही हो जाता है लेक, और उसको ऊपर डाल देती, मोटा वाला तो निकालती निकाला ही नहीं। अच्छा छोड़ो, क्या निकालेंगे अभी ना। हाँ इसीलिए तो भाई क्या करें, पाएंगे ज्यादा लेट है ना। लेकिन मैं तो जल्दी नहीं, फिर अभी अभी नहीं उठूंगा इसको, थोड़ा सा उठूंगी। कितना बजे? 7 बजे, 7:30। आप थोड़ा जल्दी सोच लो, 7:30। चलो ठीक है, ना। अच्छा। तेरा हमलोग हुआ कि नहीं अभी तक? कहाँ, बहुत बचा। तेरा बचा ही देगा, किचन का तो सब हो गया है। अभी मैंने कपड़ा रखना है तुम लोग का अलमारी में, लेकिन कल अलमारी सफा करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तुम्हारा रूम एकदम अभी बिखरा पड़ा हुआ है, मैं नहीं करके आई हूँ, कभी ये सोचे कि हाँ। हम ही लोग करेगा। हाँ? हम लोग ही कर देगा, ठीक करें ना भाई, बहुत ज्यादा ही लेट हो रखा है एकदम से। ठीक है, ठीक है ना। तो गाइस अभी 11:30 हो गया है और अभी टीवी किया है बंद, और अभी जा रहे हैं रूम में सोने के लिए। तो ठीक है, अब देखिए कितना लेट तक सोते हैं, बैठे बैठे टीवी देखते रहे सब। ठीक है, अभी बहुत अच्छा एपिसोड था। हाँ बहुत अच्छा एपिसोड था, इसीलिए नहीं तो टीवी इतना नहीं देखते। आज तो ऐसे वो लगा दिया तो पता चल गया देखते का। वही तो अच्छा एपिसोड था, इसीलिए हम लोग बैठ के देखे। कल वाला भी बहुत अच्छा था और आज वाला भी, इसीलिए हम वही बैठ के देख रहे थे, इसीलिए हमको लेट हो गया। जब सोते थे लेट ही हैं, बस ये है कि टीवी नहीं देखते इतना लेट तक, बंद कर देते हैं। तो ठीक है, आप लोग डेली वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली वीडियो देखो और डेली लाइक करो। ठीक है, जय सियाराम सीताराम।